नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सबसच में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी बीच दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर से सफलता हासिल की है। जी हां, दरअसल सुरक्षा बल के जवानों ने अरनपुर के बैनपल्ली से दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए माओवादियों में से एक माओवादी पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और दो माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, दरअसल इन माओवादियों को सुरक्षा बलों ने अरनपुरा थाना क्षेत्र के बैनपल्ली से पकड़ा है। बता दें कि गिरफ्तार हुए माओवादियों में से एक माओवादी पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित है, जिसका नाम मुचाकू मोटू है और ये माओवादी जन मिलिशिया का कमांडर है। तो वहीं पकड़े गए दूसरे माओवादी का नाम मुचाकू पांडू है, जो कि डीए केएमएस का सदस्य है और ये माओवादी पिछले कई सालों से माओवाद संगठन से जुड़कर काम कर रहा है, लेकिन अब जाकर इन्हें सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। दरअसल जिले के सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों को पुख्ता खबर मिली थी कि नक्सलगढ़ बैनपल्ली के जंगलों में लगभग 30 से 40 की संख्या में हथियारबंद माओवादी मौजूद है और मुखबिर की सूचना के आधार पर ही कमारगुड़ कैंप से लगभग 130 से ज्यादा जवानों को इलाके में सर्च के लिए भेजा गया था। और जैसे ही सुरक्षा बल बैनपल्ली गांव में पहुंचे तो दो संदिग्ध व्यक्ति जवानों को देखकर भागने लगे, जिन्हें जवानों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। बता दें कि पकड़े गए माओवादी के पास से एक नग भरमार बंदूक और दो नग डेटोनेटर भी बरामद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि 1,00,000 का इनामी जन मिलिशिया कमांडर मुचाकू मोटू और डीए केएमएस का सदस्य मुचाकू पांडू पिछले कई सालों से माओवाद संगठन से जुड़कर काम कर रहे थे। इनका काम नक्सलियों के लिए बैठक की व्यवस्था करना, संतरी ड्यूटी करना, बड़े लीडरों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पुलिस पार्टी की रैकी करना जैसे कई काम शामिल थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारी और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ सच के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।